रिजर्वेशन को लेकर मारामारी होती है क्योंकि टिकट माफियाओं द्वारा पहले से ही फर्जी टिकट बुक कर लिए जाते हैं और रिजर्वेशन सीट फुल हो जाती है, जिसकी बानगी देखने को मिली महोबा जिले में, जहां RPF द्वारा एक इंटरनेट कैफे पर छापा मारकर अवैध तरीके से रेल टिकट को व्यापार कर रहे 3 लोगों को हिरासत में लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप सहित दस्तावेज बरामद किए गए। फिलहाल इस मामले में RPF कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामला महोबा मुख्यालय के DAV इंटर कॉलेज के सामने का है, जहां आज RPF थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम ने रॉयल इंटरनेट कैफे पर छापा मारा तो अवैध तरीके से रेलवे रिजर्वेशन कर रहे 3 लोग हिरासत में लिए गए। झांसी से आई 3 सदस्यीय टीम की छापेमारी से ई टिकट बेचने वालों में हड़कंप मच गया। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप सहित दस्तावेज जब्त कर RPF थाना ले जाकर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। सुजीत कुमार प्रभारी निरीक्षक RPF महोबा, वहीं जब इस मामले में RPF प्रभारी निरीक्षक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि पर्सनल ID से टिकट का व्यापार कर रही है, बाकी डिटेल झांसी से मिलेगी।